नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 45 घंटे के मौन ध्यान में बैठ चुके हैं। विपक्ष इसे आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है और इसे सियासी ड्रामा बता रहा है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि विपक्ष हार के डर से बौखला गया है। कल अंतिम फेज का मतदान बाकी है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने सरकार बनाने का दम ठोक दिया है। तो सूर्य देवता को जल अर्पित सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और स्वामी विवेकानंद को यहां पर नमन किया गया है। 45 घंटे तक पीएम मोदी की मौन साधना, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंदिर के अंदर अब ध्यान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 1 जून तक पीएम साधना करेंगे। हालांकि इस पर राजनीति जमकर हो रही है, विपक्ष इसे सियासी ड्रामा बता रहा है। वहीं यहां पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इसे विपक्ष की बौखलाहट बता रही है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में बिल्कुल लीन नजर आ रहे हैं, और ये बाहर की तस्वीर जहां पर सूर्य देवता को पीएम नमन कर रहे हैं। अब ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, कन्याकुमारी में पीएम मोदी मौन साधना कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर, पीएम मोदी की साधना लगातार 45 घंटे की होने वाली है। ओम का जाप यहां पर किया जा रहा है। सूर्य देवता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सुबह नमन किया, उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित किया और सूर्य देवता की पूजा अर्चना भी यहां पर पीएम मोदी की ओर से की गई है। तो वहीं देखिए, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि आखिरकार पीएम मोदी कैमरे के सामने क्यों पूजा करेंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं बीजेपी का इस पर कहना है कि विपक्ष सनातन विरोध पर उतर आया है। मीडिया का क्या काम है, ध्यान में बाधाएं आएंगी, लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे और खूब प्रमोट करवाएंगे, बायोलॉजिकल तो है नहीं। अब सनातन विरोध में जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, राम मंदिर को बेकार बोला, राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने की साजिश रची, जिन्होंने कहा राम जी का अस्तित्व नहीं, हिंदू टेरर से लेकर सनातन बीमारी है, सनातन समाप्त होना चाहिए, अब वो लोग चाहते कि कोई हिंदू सनातनी ध्यान भी ना करे, तपस्या भी ना करे, साधना भी ना करे। तो देखिए, पीएम मोदी के मौन साधना पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि 4 जून के बाद पीएम परमानेंट मेडिटेशन की और बढ़ जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस बौखला गई है। ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है, ये हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। चुनाव कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, हताशा में है, इसीलिए प्रधानमंत्री को गालियां भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के साधना पर भी उनको एतराज हो रहा है, जबकि भारतीय परंपरा का ये सबसे बड़ा सनातन धर्म का ये साधना ही सब कुछ है।